वेलकम टू माय चैनल टेलर एंड बुटीक ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे नाप के ब्लाउज से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को बैक साइड से बिछा लेंगे और जो कंधी पॉइंट जो है हम उस पर इंच टेप रख कर और लंबाई का नाप लेंगे। हमारा लंबाई 15 इंच आ रही है, हम एक रफ पेपर पर उसकी लंबाई लिख लेंगे 15 इंच। अब हम इसे सीधा करके अपर चेस्ट पॉइंट नापेंगे। अपर चेस्ट पॉइंट मतलब बगल की साइड का पार्ट, हमारे ये आ रहा है 20.5। तो हम इसका मेजरमेंट भी एक रफ पेज पर लिख लेंगे। ये लंबाई 15 इंच हो गई, 20.5 अपर चेस्ट। अब हम लेंगे कमर का नाप। कमर के नाप के लिए आप दो तरीके से नाप ले सकते हैं, एक ऐसे, ये तरीका भी सही है और ये तरीका सबसे परफेक्ट है। ब्लाउज को बीच में से पकड़ें, ब्लाउज के हुक लगे हों और आप फिर कमर नापें। यह आपकी आ रही है 18 इंच, तो हम ये 18 इंच हमने कमर लिख ली। अब हम ब्लाउज को रखेंगे सीधा। सीधा करने के बाद साइड से पकड़ेंगे और हम इसी चेस्ट पॉइंट जो होता है हमारी डार्ट का, वहाँ तक हम इसका मेजरमेंट लेंगे। डार्ट पॉइंट आ रहा है हमारा 10.5 यानी 10.5 इंच का। जो चेस्ट लाइन होती है वो होता है डार्ट पॉइंट, तो हम वो भी एक रफ पेज पर लिख लेंगे। अब हम इसे करेंगे फिर सीधा। सीधा करने के बाद अब आएंगे गले पर। गले की कंधी पर हम इंची टेप रख के गले की कंधी नापेंगे। गले की कंधी आ रही है 2.25 इंच, वो भी हम लिख लेंगे। अब हम नापेंगे नेक, गला कितना डीप रखें। सबसे पहले आप ब्लाउज को अच्छे से बिछा लें और फिर हम मेजरमेंट करें। 7 इंच गला आ रहा है, वो भी हम लिख लेंगे। अब हम नापेंगे बैक गला, ये भी अच्छे से बिछा लें। बिछाने के बाद आप फिर कंधी पॉइंट पर इंची टेप रख कर फिर मेजरमेंट लेंगे। ये आ रहा है हमारा 7.5 इंच, तो हम वो 7.5 इंच मेजरमेंट, ये देखिए 7.5 और ये हम रखेंगे 7.5। अब हम आएंगे बाजू की तरफ। हमारी बाजू की लंबाई 6 इंच है, 6 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, जितनी भी ज़्यादा हो वो भी आप लिख लें। 6.25 इंच आ रही है, आर्म आ रहा है इसका 15 इंच और आर्म होल आ रहा है 8.25। तो हमें एक ही बारी में सारा मेजरमेंट उतार लेंगे। ये हमने बाजू का नाप लिख लिया। हम अगर इससे बड़ी बाजू चाहिए तो उसका नाप भी हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। लंबाई जितनी बढ़ानी हो उतनी लंबाई रखें बाजू की, और आर्म आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसके भी नाप की बनानी हो बाजू वो मेजरमेंट आप रखें। अब हम आते हैं ब्लाउज की कटिंग पर। असर हमने बिछा लिया है, सबसे पहले हम स्केल लेकर और मार्कर लगाएंगे। ये किनारे की तरफ से बिछाएंगे। ये हमारा हुक पॉइंट है जो ओपन रहेगा। ये ओपन पॉइंट से हमने बिछा रखा है। हमारी 15.5 से कुछ ऊपर यानी 16.25 हमने मार्का लगा लिया। 15 इंच हमारी लंबाई है और यह 5.5 इंच पे बगल का निशान, और डार्ट पॉइंट था हमारा 10.5 का, तो हम लगाएंगे 11 इंच पर, 0.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इस मार्क पर सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हमने सारी सीधी लाइन लगा ली। अब हम नापेंगे तीरा। तीरा 5.5 पे रखेंगे, ये भी 5.5। अब हम लगाएंगे अपर चेस्ट का निशान, जो हमारी 20.5 इंच थी, हम उसे 1 इंच ऊपर रख कर 11.25 पर निशान लगाएंगे।
कमर थी हमारी 18 यानी 9, वो 11 पर निशान लगाएंगे। अब हमारी चेस्ट डार्ट कितनी दूर लगाएं, 4 इंच पर, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा, फिर 1.5 इंच यहाँ, 1.5 इंच आप चेस्ट पॉइंट के निशान से 1.5 इंच आप निशान लगा लें। अब हम ये सीधी लाइन लगाएंगे, ये भी सीधी लाइन लगाएंगे। एक मेजरमेंट आपके लिए जो बहुत ज़रूरी था वो मैं आपको निशान लगा के बताने जा रहा हूँ। यार हमने सीधे निशान ये लगा लिए, ये थोड़ा आड़ा रखें ताकि हमारा ब्लाउज खूबसूरत बने। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारी होती है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन को हम ये चेस्ट टाइट वाला चेस्ट लाइन जो होता है वी सेंटर चेस्ट का, वो हम इसको पूरा नाप लेंगे ऐसे करके। ये हो गया हमारा 20.5 है, थोड़ा ज़्यादा है, आप वही जो नाप आ रहा है वही रखें। मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ 20.5 से, जितना मेजरमेंट है उतना ज़्यादा, 11 में 1 पॉइंट कम करके मैं मार्कर लगा लेता हूँ। अब हम स्केल से उस चेस्ट पॉइंट पर परफेक्ट निशान लगा देते हैं। अब हमारा ये ब्लाउज कटने को रेडी है। अब हम ये निशान लगा के अब करेंगे इसकी कटिंग। तो आप देख रहे हैं अस्तर वाले ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की कटिंग। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब हम ये नीचे का एक्स्ट्रा जो मार्जिन का पार्ट है वो भी काट लेंगे। ये थोड़ी डार्ट निकालने के लिए ये भी काट लेंगे, और ये हम क्लियर ये भी काट लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ेंगे मार्जिन। ये हमारा ब्लाउज की सामने वाले पार्ट के कटिंग हो गई। अब हम इसी से बैक कटिंग करेंगे। हमारा ब्लाउज है 3 इंच का, हम थोड़ा से कम कर लेंगे, 2.25 इंच कंधी थी तो 3 इंच का ब्लाउज आएगा, तो हम ये 3 इंच पर ब्लाउज का निशान लगा लेंगे। हम इसे अलग हटा देंगे। अब करेंगे इसकी बैक कटिंग। इसे बैक को रख के कटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपको बैक वाला फोल्ड आप पर आप सामने वाला पार्ट रखें, उसको अच्छे से बिछा लें। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, बाजू की लंबाई नहीं नापते और कटिंग कर देते हैं, जिससे बाजू हमारी छोटी भी रह सकती है। हमने लंबाई बढ़ाई है बाजू की 10 इंच, तो हम पहले बाजू का निशान लगा लेंगे। बाजू हमारी 10 इंच है, हम 11 पर मार्कर लगा लेंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज में बॉर्डर है, तो हमने ये निशान लगा लिया। अब हम लगाएंगे बैक की लंबाई का निशान। 15 से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेंगे। ये हमने मार्का लगा लिया। अब हम मार्के पर सीधा निशान लगा देंगे। अब हम सामना अपना बिछा लेंगे। ध्यान रहे सामना 2 सूत यानी कि 2 पॉइंट नीचे करके बिछाएं। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। चलिए कटिंग करते हैं। ये आर्म का हमने बराबर से काट लिया। अब हम नीचे का जो निशान है उस तक काटेंगे। ये हमने सीधा निशान लगा लिया। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो साइड की कर ली, अब करेंगे नीचे की।
पीछे की कटिंग कर ली, हमारा ये पार्ट कट गया, हम इसका आर्म काटेंगे। आर्म की गहराई ज़्यादा ना लें, डार्ट पॉइंट होता है वो आर्म की गहराई ऑटोमेटिकली ज़्यादा कर देगा, इसलिए नॉर्मल सा राउंड लें। अब हम आगे का पार्ट ऊपर करके नीचे को कट का लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे बगल की डार्ट का निशान, ये हमने निशान लगा लिया। अब हम गले की तरफ जाएंगे, दो सूत अंदर गले पर लाइन लगा लेंगे। मार्का लगाने के बाद गला डीप हम नापेंगे। गला डीप लेने के बाद मार्का लगाकर स्केल लेकर उस पर भी निशान सीधा लगा लेंगे। फिर हम आर्म गले की राउंड दे देंगे। ये हमने हल्के हाथों से ये राउंड निकाल कर गले को काट लिया। अगर आप कोई पैटर्न वाला गला बनाएं तो ये गले के राउंड ना काटें, बाद में काटें। कैंची से हम नीचे की डार्ट के निशान उठा लेंगे। ये हमारे नीचे की डार्ट के निशान उड़ गए। बहुत ईजी है डार्ट का निशान उठाना नीचे की तरफ। हम बेक का निशान आधा इंच ऊपर डार्ट से रखेंगे। आगे की डार्ट से पीछे की डार्ट का निशान आधा इंच हमेशा ऊपर रखा जाता है। अब हम पीछे का गला भी आगे के गले के हिसाब से काट लेंगे। फ़र्क ये होगा आगे का 7 डीप था, पीछे का 7.5 डीप रखेंगे। जितना भी आपका गला डीप हो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। जो मेरा मेजरमेंट था मैं उसके हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। अभी हमारे ब्लाउज के नाप से अस्तर वाले पीस की कटिंग हो रही है। अब हम लेंगे बाजू। बाजू की लंबाई हमने बढ़ाई थी, 6 इंच से 10 इंच की हमने बाजू रखी है, जिसको हम 4 लेयर यानी 4 कपड़ों को बिछाकर एक साथ फोल्डिंग में और निशान पहले नीचे लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया। बाजू का मार्जिन बॉर्डर है ज़्यादा ना रखें, 1 सेंटीमीटर मार्जिन रखें। बाजू की लंबाई 10 इंच है तो 10.5 पर निशान लगा लेंगे। ये लगाएंगे हम 3.5 से ज़्यादा आर्म का निशान। ये लगाने के बाद हम नाखेंगे आर्म। आर्म था हमारा 8.25 इंच का, 8.25 इंच। अब लगाएंगे हम मोहरी का निशान। मोहरी हमारी 12 थी, हम 12.25 के निशान को मिला लेंगे। ये हमारी 12 हो गई। अब हम प्यारे से राउंड ऊपर की तरफ काट लेंगे। अब हम इस सेंटर का कुटका लगा लेंगे, आर्म का कुटका लगा लेंगे। साइड की जो कटिंग है वो मार्जिन के हिसाब से, जितना भी आप मार्जिन रखना चाहो उतना आप मार्जिन रख के काट सकते हैं। साइड में निशान लगा लिया, ये लंबाई तैयार का कुटका लगा लिया। अब हम आगे के जो दो पल्ले हैं बाजू के उसको हम अलग कर लेंगे। एक हमने अलग कर लिया। अब हम आगे के दो पल्लों का राउंड निकालेंगे। ये पीछे के पल्लों से थोड़ा गहरा काटा जाता है, याद रहे कि ज़्यादा गहरा ना काटें जिससे बाजू में खिंचाव आ सकता है। ये हमने काट लिया। हमारे अब अस्तर की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे कपड़ा रखकर अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। आप देख रहे हैं टेलर एंड बुटीक ट्यूटोरियल चैनल को। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब हम पहले निकालेंगे इसकी बाजू। हमने पहले ही कपड़ा बिछा के देख लिया हमारा सारा पार्ट
इस कपड़े में पूरे हो रहे हैं और आपके पार्ट पूरे ना हो रहे हों तो आप बाजू की लंबाई कम कर सकते हैं। और आपकी बाजू की लंबाई कम हो जाएगी तो आसानी से आपका पूरा ब्लाउज कपड़े को निकल जाएगा। अगर आपकी बाजू पूरी है और कपड़ा भी पूरा है तो आप पहले बाजू काट लें। हमने बॉर्डर से निशान मिला लिया, अब हम इसको बराबर मिला के रख लेंगे। देख लें ऊपर नीचे हो तो आप उसे सेट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। बाजू कटिंग अच्छी तरीके से करें। अब हमने पूरा मिला लिया है, अब हम रखेंगे इसके ऊपर बाजू। ये हमने इसके ऊपर बाजू रख ली, अब हम बाजू की कटिंग कर देंगे। थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा ही रखें। याद रहे दोस्तों, कपड़ा कभी बराबर ना काटें, जिससे कि आपको ब्लाउज जब भी आप है ना जमाओ, यानी इस पर कच्चा डालो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आए। बहुत से इसको फिक्स काट लेते हैं, जिससे कभी छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए आप हमेशा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखें। फिक्स काटने से अच्छा है आप थोड़ा ज़्यादा रखें। कॉटन के कपड़े आप फिक्स काट सकते हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कॉटन हो या टेढ़ी कपड़ा हो, और भी कपड़े हैं जिन्हें आप फिक्स काट सकते हैं, और मेरी मानो तो आप फिक्स ना काटें, थोड़ा मार्जिन लेके कपड़े को काटें, जिससे कि आप आसानी से कच्चा जमा सको, बाद में आपका मार्जिन काट लेना। ये देखिए मैं ना एक्स्ट्रा ही आपका कटिंग कर रहा हूँ कपड़े की, ये मेरी कटिंग हो गई बैग की। हम बैग को अलग रख देंगे। अब हम काटेंगे आगे का पल्ला। आगे का पल्ला हमारा हुक वाला है, यानी कि ओपन है, तो हम ओपन साइड से इसको रखेंगे। ये हमने ओपन साइड से इसे बिछा लिया। अब हम लेंगे आगे का पल्ला। आगे का पल्ला हमने बिछा लिया, जो हमने आगे का पार्ट बिछाया है इसको भी थोड़े थोड़े मार्जिन से काट लेंगे। हमने कटिंग करी इसी भी, बहुत आसान है कटिंग करना, आप करोगे तो आप आसानी से इसे करते जाओगे। देखते रहो और करते रहो। आप अपने मेजरमेंट से इसे काट सकते हैं, जैसे मैंने मेजरमेंट लिया, आप अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके आसानी से ब्लाउज काटें। दोस्तों मैं आगे भी आपको ऐसे ही कटिंग के बारे में हर एक जानकारी देता रहूँगा, और किसी को और कोई जानकारी जाननी हो तो मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बेल आइकॉन को ऑल करें, और मेरी आने वाली